यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, राज्यसभा के सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व खेल एवं युवा मामलों के मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण, सभी सामान्य विधायकगण, सांसदगण, हमारे साथ वर्चुअल इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बने सभी कोरोना वॉरियर्स, हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़कर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम हिमाचलवासी सौभाग्यशाली हैं कि आपका स्नेह, आपका प्यार सदैव हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलता रहा, और जब भी आपका हिमाचल प्रदेश में आना हुआ या हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जुड़ना हुआ तो आप सदैव इस बात का जिक्र करते हैं, मैं हिमाचल आया हूं, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। ये शब्द हमारे हृदय को छू लेते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में आपने समय निकालकर हिमाचल के लोगों के साथ जुड़ करके फिर से जो स्नेह हम पर समर्पित किया है उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और दूरगामी सोच के कारण भारत ने बहुत कम में वैश्विक कोरोना महामारी से निपटने के लिए शस्त्र ढाल वैक्सीन का सफलतापूर्वक उत्पादन किया। ये सौभाग्यशाली भारतवर्ष है कि आज इस इतने बड़े संकट के दौर में से गुजरते हुए ऐसी परिस्थिति में जिस तरह के मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता इस देश को थी, वो मजबूत नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में हमको मिला। बहुत बड़े संकट में से आगे बढ़ते हुए आपने ना भारत को रुकने दिया और ना ही किसी प्रदेश के विकास को रुकने दिया। एक भरोसा लोगों के दिल और दिमाग में सदैव आपके प्रति जिस प्रकार से ऐसे संकट के क्षण में भी रहा, उसके लिए मैं समझता हूं कि देशवासियों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। कोविड के संकट में हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश ने बहुत बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश की। जब एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वैक्सीन एक बहुत कारगर उपाय है इस वायरस से बचने के लिए, उस दृष्टि से जिस प्रकार से आपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आग्रह किया कि वैक्सीन लगाने की इस अभियान में सहयोग करें, हमने निश्चय कर लिया उसी दिन कि हिमाचल प्रदेश अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स सब मिल करके इस अभियान को पूरा करने के लिए जी जान से जुटेंगे और हम उस काम में लगे। कठिन परिस्थितियां, बरसात के मौसम में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हुई जिसके कारण हम चिंतित भी थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे हेल्थ वर्कर्स ने बहुत मेहनत करके काम किया और काम करने के साथ इस लक्ष्य को सुनिश्चित किया कि हम पूरे देश भर में आगे चल रहे हैं वैक्सीन के अभियान में। हम इसमें पीछे मुड़ करके देखेंगे नहीं, चाहे वैक्सीन को शत प्रतिशत 18 साल से ऊपर की आयु को उस लक्ष्य को पूरा करने की बात थी, चाहे जीरो वेस्टेज की बात थी, इन दोनों लक्ष्यों पर हिमाचल प्रदेश आगे बढ़कर के काम किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश ने कोल्ड चेन पॉइंट
परिवहन व्यवस्था और मानव संसाधन की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ लाभार्थी जुटाने से संबंधित जमीनी कार्य पूरा किया और 16 जनवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी लॉन्च के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राज्य ने 17 मई 2021 को 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए वैक्सीन अभियान का कार्यक्रम शुरू किया। इन सभी संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश ने 3 सितंबर 2021 तक 55,28,648 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और 17,92,715 लोगों को पूर्ण टीकाकरण की दूसरी डोज का लक्ष्य भी पूरा किया गया है। और मैं महसूस करता हूं कि निश्चित रूप से जो आने वाले समय में जो सेकंड डोज का भी जो लक्ष्य है उसको भी उसके लिए भी हमने निर्धारित किया है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि 30 नवंबर तक हम सेकंड डोज भी हिमाचल में पूर्ण कर सकें। इसके लिए इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। मुझे इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से आभार व्यक्त करना है कि आपने वैक्सीन की सप्लाई के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष तौर से सहयोग दिया और इस कोविड के संकट में आपने जिस प्रकार से पूरे राष्ट्र को संबल दिया, पूरे राष्ट्र को नेतृत्व दिया और उस तरह से हिमाचल प्रदेश में भी आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़कर के काम करते हुए इस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल छोटा सा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से कठिन और विकट परिस्थितियों के बावजूद हमारे कोरोना वॉरियर्स ने बहुत बेहतरीन काम किया है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से आपने समय निकाल करके हमारा मार्गदर्शन, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए जो समय निकाला इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश देवभूमि की जनता से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिमाचल। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।